नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं आपके साथ रंधिरा। आज हम बात करेंगे राजद की। जी हाँ, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होनी है। इसको लेकर के राजद के अंदर कहें तो एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि राजद सुप्रीमो कौन होगा इस बार, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी तो हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ वहाँ पार्टी दफ्तर में, राजद के कार्यालय में, इसको लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वो है कि अब फिर से एक बार 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव ही होंगे। इसको लेकर के आज पार्टी कार्यालय में एक आयोजन हुआ, जहां पे नामांकन दाखिला किया गया, और इस दौरान राजद के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे। यहां तक कि लालू के दोनों लाल तेज प्रताप और तेजस्वी भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि तेज प्रताप तेजस्वी किस तरीके से एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ही राजद के जो भी बड़े दिग्गज हैं वो भी मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि लालू यादव के जगह पे राजद के एक एक नेता लालू के नाम की दाखिला कर रहे हैं, और इसको लेकर के जो चुनाव है वो 10 को होगा, यानी कि 10 को औपचारिक ऐलान होना है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से नामांकन फाइल की जा रही है। जाहिर है, सभी नेताओं में बस एक ही नाम है, वो है सिर्फ लालू यादव। जी हाँ, लालू यादव को लेकर के आज भी राजद में एकजुटता है। सभी नेताओं ने एक सुर में आलापा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही होंगे। ऐसे में ये लालू यादव का फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, वहाँ ये देखने को मिला कि कुछ नया हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जगदानंद सिंह को बैठाया गया, जबकि रामचंद्र पूर्वे को हटा दिया गया। ठीक इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे भी अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन लालू यादव ने इसे खारिज कर दिया। अब इस बारे में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। सब लोग आज नामांकन है, नामांकन की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप लोगों के सामने नतीजा होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी होंगे। चर्चा हमें जो जिम्मेदारी मिली है नेता प्रतिपक्ष की, उनके अनुपस्थिति में पार्टी के कामकाज को देखने की, और जो पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो प्रस्ताव जो पारित किया है, हमको उसको देखना है। और एक एक कार्यकर्ता लालू यादव पार्टी के, लालू जी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं और देखा भी है। सब लोगों का विश्वास उम्मीद लालू जी पे है, और उनके नेतृत्व में इस बार आने वाले 2020 का चुनाव जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे। और अभी आप लोग सब लोगों को पता है, झारखंड भी आज देखिए कि ये लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल का डर है। जो एनडीए के लोग आज इकट्ठे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और जो पार्टी विकास पुरुष का चेहरा लेकर के नीतीश कुमार जी का आगे ले जाने का काम कर रही है, हालांकि असलियत जो है सबों के सामने आ गया, ये मजबूरी है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एनडीए में किस प्रकार से जो गठबंधन की बात है उनकी, अंदरूनी अंदर एक दूसरे को पसंद ना करते हुए भी मजबूरन राष्ट्रीय जनता दल का डर, लालू जी का डर की वजह से लोग साथ। राष्ट्रीय जनता दल को बनाने ही वाले ही नहीं, बल्कि जिस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने सींचने का काम किया, सामाजिक न्याय की लड़ाई, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, गरीब गुड़बाओं की लड़ाई, जिस प्रकार से लालू जी की भूमिका रही, आज कहीं ना कहीं से बिहार के लोग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग जो हैं उनके काम को याद करना है। चाहे भारत सरकार में रेल मंत्री के तौर पे हों, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे हों, लगातार जो है लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और आज भी जितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, सारी चुनौतियों का वो मजबूती के साथ डट करके मुकाबला करने का काम कर रहा है।
और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आगामी 2020 का चुनाव होने जा रहा है, जिस प्रकार से बिहार में बदहाली है, बेबसी है, गुर्बत है, अत्याचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, काम नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार जी ने, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, लगातार नीतीश कुमार जी हर एक मोर्चे पर विफल साबित हुए। राष्ट्राध्यक्ष पद को लेकर के नामांकन चल रहा है पार्टी द्वारा, और पार्टी में हम सब लोग नेता से कार्यकर्ता सब लोगों में खुशी है कि आज लालू प्रसाद यादव जी रहे जो गरीबों के बसिया हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज 1 11। नमस्कार। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।